एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी, आपका स्वागत करता हूं मैं रिव्यू मास्टर में। इस वीडियो में मैं आपके प्रश्नों के कुछ उत्तर दूंगा। यह प्रश्न आपके तेजस से रिलेटेड है कि मलेशिया को एक्सपोर्ट होने वाला है कि नहीं। इसके अलावा नेवल वर्जन जो तेजस का है उसको नेवी नहीं लेना चाहती है, पर इसके अलावा एक ADA से उन्होंने प्रपोज किया है कि ट्विन इंजन डेक बेस्ड एयरक्राफ्ट ADA डिजाइन करे जो कि 1 से 2 सालों में डिजाइन हो सकता है। इसका मॉकअप भी हम लोग देख सकते हैं। यह ऐसी इस प्रकार की बहुत सी खबरें निकलकर सामने आई है। इन 2-3 मुद्दों पे ही हम इस वीडियो को रखेंगे और इस चीज की जानकारी आपको देंगे, तो चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले मलेशिया को जो तेजस एक्सपोर्ट होने की खबर है उस पर बात करते हैं। आपको पता है कि एक मलेशियन एयर शो में हमारा तेजस गया हुआ था, ट्विन सीटर तेजस गया हुआ था, और इसी प्रकार से बहुत से एयरक्राफ्ट, कुछ 5 से 6 देशों के एयरक्राफ्ट, जिसमें कि साउथ कोरिया का T-50, रशिया का Yak-130, BAE सिस्टम का आर्म्ड हॉक और सैब का ग्रिपीन शामिल था, और इन सभी एयरक्राफ्टों ने अपनी अपनी जो काबिलियत थी इस एयर शो में दिखाई थी, और तब जाके ये कहा जा रहा था कि तेजस को एक अच्छा कॉम्पिटिटर माना जा रहा है। पर अभी मलेशिया ने RFP जारी किया है, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी किया है। इन सभी एयरक्राफ्टों को ये जारी किया गया है, इंक्लूडिंग पाकिस्तान के JF-17 या आप कह सकते हैं चाइना के JF-17 को भी। तो यहां पर तेजस को कोई भी एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला है, अभी केवल RFP जारी किया गया। जिस प्रकार से हम RFI जारी करते हैं और कई देश कई कंपनियां सामने आती हैं, फिर जिन कंपनियों के जिस प्रोडक्ट को हम लोग सही समझते हैं उनको RFP जारी करते हैं, तब वो जाके हमें अपना प्रपोजल देते हैं, टेंडर का जवाब देते हैं कि कितने प्राइस में क्या टेक्निकल बिड होगी, क्या प्राइसिंग बिड होगी। ये सारी चीज कैलकुलेट करने के बाद ही किसी देश को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है। उससे पहले टेक्निकल इवेल्युएशन भी होता है प्रोडक्ट का, और तब जाके पूरी प्रक्रिया पूरी होती है। तो उसी प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं कि तेजस को किसी भी प्रकार से यह नहीं कहा जा रहा है कि तेजस को खरीदा गया है। पर यहां पर एक बात यह ध्यान देने वाली है कि मलेशिया के साथ अभी भारत के रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे हैं। पाम ऑयल को लेके ही आप लोगों ने खबर जरूर सुना होगा कि भारत की जो ट्रेड यूनियन है उन्होंने मलेशियन पाम ऑयल का बायकॉट किया हुआ था, और यह इस कारण से हुआ था कि मलेशिया ने कश्मीर पर पाकिस्तान के राग से राग मिलाया था। इस कारण से थोड़ा सा संबंधों में खटास आ रही थी। पर अभी हाल ही की खबरों में यह सामने आया है कि पाम ऑयल फिर से इंपोर्ट करना भारत की यूनियन ट्रेड यूनियन ने स्टार्ट कर दिया है, और धीरे धीरे यह इंपोर्ट बढ़ता जा रहा है और अपनी जो एक्चुअल ट्रेड फिगर है उस पर आ भी सकता है। पर इससे यह क्लियर नहीं होता है कि क्या तेजस भारत की तरफ से मलेशिया को एक्सपोर्ट होगा या मलेशिया क्या तेजस को खरीदना चाहेगा। यहां पर मलेशिया के पास प्लस पॉइंट यह है कि मलेशिया रशियन एयरक्राफ्ट भी इस्तेमाल करता है, अमेरिकन एयरक्राफ्ट भी इस्तेमाल करता है, जिसमें कि F-18 भी शामिल है और RC-30 भी शामिल है। तो उनको रशियन एयरक्राफ्ट और अमेरिकन एयरक्राफ्ट दोनों ही चलाने की आदत है। भारत का जो ये तेजस है यह भी इस प्रकार का एयरक्राफ्ट है जो कि आप समझ सकते हैं कि रशियन हथियारों को भी लॉन्च कर सकता है, इसके अलावा वेस्टर्न कंट्रीज के हथियारों को भी लॉन्च कर सकता है, जो कि इसको उन सभी एयरक्राफ्टों से अलग बनाता है जिनको भी मलेशिया ने RFP जारी किया है। यहां पर कई खबरों में हम लोगों ने यह भी सुना है कि HAL अपना एक इंटरनेशनल ऑपरेशन का यूनिट भी बनाने वाला है जो कि इस प्रकार के एक्सपोर्ट और इस एक्सपोर्ट के बाद दी जाने वाली सर्विसेज को देखेगा। तो काफी चीज भारत के तेजस के फेवर में है, पर आप वही समझ सकते हैं कि जो हमारे तेजस में लगे हुए इंजन है या हमारे तेजस में लगा हुआ एवियोनिक्स है, रडार है, वो भारत का बना हुआ नहीं है। भारत को उन सभी देशों से इस चीज का अप्रूवल लेना पड़ेगा कि मलेशिया को वो इस चीज को एक्सपोर्ट कर सकते हैं कि नहीं, तेजस को एक्सपोर्ट कर सकते हैं कि नहीं। वहीं मलेशिया के लिए एक प्लस पॉइंट यह है कि तेजस में इस्तेमाल होने वाला F-404 इंजन वहीं उनके F-18 हॉर्नेट में भी इस्तेमाल होता है, तो एक उनको देखी हुई सी चीज लगेगी अगर इंजन की बात की जाए। तो तेजस के लिए कई ऐसे प्लस पॉइंट हैं जो कि उसको एक्सपोर्ट होने लायक बनाती है, मलेशिया में एक्सपोर्ट होने लायक बनाती है। पर अभी भी मलेशिया किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंचा है, अभी यह क्लियर नहीं है कि तेजस एक्सपोर्ट किया जाएगा कि नहीं। अभी यहां पर एक और अड़ंगा है कि भारत ने अभी HAL को यह अप्रूवल नहीं दिया है कि वो किसी को भी इसको एक्सपोर्ट कर सके। HAL को भारतीय अथॉरिटी से भी यह अप्रूवल लेना पड़ेगा कि इसको एक्सपोर्ट किया जा सके। मुझे इस टेंडरिंग में भाग लेने का HAL का केवल और केवल एक औचित्य यह लगता है कि HAL ये देखना चाहता है कि वर्ल्ड लेवल पर इंटरनेशनल कंपटीशन में उनका प्रोडक्ट कहां पर टिकता है या कहां पर वो पीछे है या किस क्षेत्र में वो आगे है, क्योंकि अभी HAL
इस कैपेबिलिटी पे भी नहीं पहुंचा है कि भारत की आवश्यकताओं को भी वो पूरा कर सके तेजस के मामले में और विदेशों में भी इसका एक्सपोर्ट कर सके। हम जानते हैं कि अभी इसके 8 यूनिट ही पर साल निकल रहे हैं और इसको 16 यूनिट तक बढ़ाया गया है, अभी बढ़ाया जा रहा है और लगभग इतना प्राप्त भी कर लिया गया है, पर 16 यूनिट केवल भारत के लिए ही काफी नहीं होते हैं, तो विदेशों में इसका एक्सपोर्ट क्या किया जाएगा? क्योंकि अभी 40 एयरक्राफ्ट ऑलरेडी उनको डिलीवर करने हैं इंडियन एयरफोर्स को, जिसमें से 20 तक एयरक्राफ्ट डिलीवर किए जा चुके हैं और अभी FOC वाले एयरक्राफ्ट बनना स्टार्ट हो रहे हैं इस महीने से। तो अभी भारतीय बाजार को इंडियन एयरफोर्स के लिए कई एयरक्राफ्ट HAL को ऑलरेडी बनाने हैं, जिसमें अभी वो 83 एयरक्राफ्ट भी शामिल हैं जो कि इंडियन एयरफोर्स HAL को कॉन्ट्रैक्ट देने वाली है। तो विदेश में इसको एक्सपोर्ट करने का प्लान थोड़ा सा कहीं ना कहीं मुझे ढीला लग रहा है, क्योंकि अगर इस प्रकार का एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट मिल भी जाता है तो HAL उसको जल्द से पूरा नहीं कर पाएगा, जो कि मलेशियन अथॉरिटी के दिमाग में जरूर होगा। अब बात करते हैं इंडियन नेवी की। यह खबर निकलकर सामने आई थी कि AMCA जो डेवलप हो रहा है उसका नेवल वेरिएंट भी डेवलप होगा, पर अभी एक और नई खबर निकल कर आई है कि इंडियन नेवी ने कहा है कि AMCA को नेवल वर्जन में कन्वर्ट करने में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है या कितना आसान है इसको नेवल वर्जन में कन्वर्ट करना, इस सब चीजों की स्टडी करने के लिए ADA को कहा गया है। क्योंकि हमने देखा है एयरफोर्स के लिए इस्तेमाल होने वाले एयरक्राफ्ट को यदि नेवी के लिए इस्तेमाल होने वाले एयरक्राफ्ट में चेंज किया जाता है, जैसे कि MiG-29 को ही हम ले लें, तो उसमें बहुत सी प्रॉब्लम रह जाती हैं, जैसे कि MiG-29 में भी अभी कई प्रॉब्लम ऐसी हैं जो कि उन एयरक्राफ्टों से उसको भिन्न करता है जो कि प्योरली डेक ऑपरेशन के लिए बनी होती हैं, जैसे कि Rafale-M। सबसे पहले Rafale को नेवी के लिए ही डेवलप किया गया था, उसके बाद जाके इसको एयरफोर्स के लिए डेवलप किया गया, जिससे कि नेवी के लिए तो एक बेहतरीन एयरक्राफ्ट बना ही, साथ ही एयरफोर्स के लिए भी एक बेहतरीन एयरक्राफ्ट साबित हुआ है। इसी प्रकार हम F-18 को भी ले लेते हैं, वो भी सबसे पहले नेवी के लिए ही बना था। तो यहां पर एक चीज हमें समझ में आती है कि कोई भी ऐसा एयरक्राफ्ट जो एयरफोर्स के लिए बना हो अगर उसको नेवी में कन्वर्ट किया जाता है तो यह प्रॉब्लमेटिक काम है, और यदि वो नेवी के लिए बना हुआ एयरक्राफ्ट हो और उसको एयरफोर्स में कन्वर्ट किया जाता है तो ये थोड़ा आसान रहता है बजाय कि पहले के। तो यहां पर एक नया एयरक्राफ्ट सामने आता है जिसको ट्विन इंजन डेक ऑपरेटेड एयरक्राफ्ट कहा जा रहा है और इंडियन नेवी कुछ इसी की तलाश में है, पर यह कोई फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट नहीं होने वाला है, यह 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट होने वाला है। इसके अलावा कुछ लोगों का यह भी कहना था कि तेजस MK2 यानी कि जो मीडियम वेट एयरक्राफ्ट डेवलप हो रहा था उसको नेवी इस्तेमाल कर सकती है, वह नेवी के लिए डेवलप हो सकता है, तो ऐसा नहीं होने वाला है जहां तक मेरा मानना है। हम लोगों ने यह भी देखा है कि तेजस MK1 की जो नेवल वर्जन है उसकी भी काफी सॉर्टीज हो रही है और अभी अगले ही महीने इसको INS विक्रमादित्य के साथ भी एक महीने ट्रायल के लिए भेजा जाएगा। तो यह किस लिए डेवलप हो रहा है या इस प्रकार का ट्रायल क्यों किए जा रहे हैं, इससे जो जानकारी मिलेगी ADA को वो आगे आने वाले एयरक्राफ्टों को डेवलप करने में इस्तेमाल की जाएंगी। इसके अलावा ये जो तेजस 1 है इसका इस्तेमाल उन पायलट्स को सिखाने के लिए किया जा सकता है या किया जाएगा जो कि डेक ऑपरेशन में एयरक्राफ्ट को उतारेंगे या टेक ऑफ करेंगे। नेवी के एयरक्राफ्टों की एक बात यह भी खास होती है कि अंडर कैरियर जो उनका स्ट्रक्चर होता है वो काफी मजबूत होता है, ताकि उनको डेक पे उतरने के लिए जो आर्टिफिशियल क्रैशिंग की जाती है, जिसमें आप अरस्टर लैंडिंग भी कहते हैं, वो बियर करने लायक क्षमता होनी चाहिए जो कि एयरफोर्स वाले एयरक्राफ्टों में कम होती है। और यदि एयरफोर्स वाले एयरक्राफ्टों को इस प्रकार से डेवलप किया जाए कि वो नेवी में इस्तेमाल होने वाले हो, तो उसके लिए नीचे के जो फ्यूल टैंक होते हैं, अतिरिक्त फ्यूल टैंक या नीचे लगने वाले जितने भी हथियार होते हैं, उनकी लोकेशन चेंज करनी पड़ती है और नेवी के हिसाब से करना पड़ता है, इसलिए थोड़ा कठिन हो जाता है। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही, आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो से संबंधित कोई सवाल है जो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।